हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और ठंडे में सब बच के होंगे और अपनी फैमिली को भी सेफ होंगे, रखे हुए होंगे, अपनी फैमिली के संग होंगे, सेफ होंगे। ये देखिए, इधर चाय चढ़ाई हूँ। अरे, दूध रात का ही था, थोड़ा सा बच गया था तो उसी में मैं चाय बना दी। और मैं ये यहाँ पे ये गर्म पानी। और आज है 25 दिसंबर, तो आप सबको मैं आज का ही ब्लॉग में भी विश कर दी हूँ। जो आज का ब्लॉग अभी पोस्ट नहीं की हूँ, उसको एडिट करके रख ली हूँ, करूँगी। अभी हस्बैंड आए नहीं हैं, जब आएंगे तो उनसे नेट कनेक्ट करके कर दूँगी। यानी 2-2.5 बजे तक शायद हो जाएगा ब्लॉग एडिट, 2-2.5 बजे तक अपलोड हो जाएगा, कर दूँगी। अब आएंगे, जब आएंगे तब करूँगी। उसमें भी विश कर दी हूँ, तो मैं फिर से दोबारा विश कर दे रही हूँ, हैप्पी मेरी क्रिसमस आप सबको। और जो लोग नए हैं, और जो लोग नए हैं वो चैनल पे, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहले फुल वॉच कीजिएगा, उसके बाद सब्सक्राइब कीजिएगा, फिर लाइक कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, ऑल पे कीजिएगा, ताकि मेरा हर नोटिफिकेशन आप लोग को मिलते रहे ब्लॉग का। और जो लोग पुराने हैं, सब्सक्राइब कर चुके हैं, वो ऐसे ही बने रहिएगा, अपना प्यार आशीर्वाद बनाए रखिएगा। और आज हम मेरे हस्बैंड बोले कहीं घूमने जाएंगे तो नहीं पता कहाँ जाएंगे घूमने, बट जाएंगे तो आप लोग को भी ले चलेंगे वहाँ। ठीक है, बने रहिएगा ब्लॉग लीजिए मम्मा। पर। और ये आ गई है। और आप सब देख लीजिए, मेरी बेटी का क्रिसमस ट्री अपने खुद से बनाई थी, अपने हैंड से, बस एक पेपर लाकर, और यही, और ऊपर एक स्टार लगा दी थी, 2 रुपए का स्टार। और बाबू कितना एक्साइटेड था इसको देखने के लिए, बार बार दम उसी के पास आ रहा था। वो बनाई थी क्या, स्कूल ले जाऊंगी। बुग्गो देखो, ए बिट्टू बुग्गो, इसमें क्या है? ओ, तो मेथी रखे थे बना के, खा ली इसको। काट के बनाएंगे, चुना हुआ है। और उसके बाद मैं जल्दी जल्दी सब चीज़ बना ली थी कि मैं घूमने जाऊंगी, बट घूमने तो नहीं गई। क्या करूँ, हो जाता है कभी कभी। यहाँ पे हस्बैंड थे तो मैं उनको खाना दे रही थी, तो ये ठंडे हो गए थे, तो मैं फिर से इसको गर्म कर रही थी, आलू मेथी को। और उसके बाद गर्म करके फिर दे देती हूँ। बहुत एक्साइटेड थी मैं जाने के लिए कि आज कहीं घूमने चलूँगी, अपनी यूट्यूब फैमिली को, पूरी यूट्यूब फैमिली को घुमाऊँगी, दिखाऊँगी। बट क्या होता है, क्या बताऊँ मैं। बस इतना ही कहूँगी, दुआ करूँगी कि मेरे हस्बैंड के फैमिली जैसा किसी को फैमिली ना मिले, किसी को नहीं है। तो अपने दुश्मन से भी ज़्यादा कट्टर हैं, सब चाहते हैं कि बस एक दूसरे को मार दें। और सबसे बड़ी जो है ना, मेरी जेठानी, बाद में बताऊँगी कभी इस सबकी कहानी। यहाँ पे मैं इनको खाना दे रही थी, रोटी। इधर सब खाना को रोटी बोलते हैं, तो हमको ही आदत हो गया है, ना तो मैं ऐसे नाश्ता ही बोलती थी, और खाना चावल जो बनता था उसको खाना बोलती हूँ और बोलती थी। लेकिन यहाँ पे रहते रहते ना आदत हो गया इंसान को, कहा जाता ना कि जैसा देश वैसा भेष। और फिर इसके बाद मुझे ना इतना सर दर्द होने लगा था, मतलब टेंशन से, सिर्फ ससुराल वालों के टेंशन से इतना सर दर्द कि मत पूछिए। मेरा लग रहा था ना कि साइड का नस फटा जा रहा है। तो मैं बाल में तेल लगा रही थी, सर में तेल मालिश कर रही थी। और इधर बेटी भी इस समय 4 बज गया था, शाम को 4। बेटी बहुत एक्साइटेड थी, ये अनार खा रही थी कि आज घूमने जाना है। ट्यूशन भी जाने के लिए नहीं कह रही थी, हाँ बोले अब नहीं जाओगे कहीं घूमने, जाओ जाके होमवर्क बनाओ और ट्यूशन जाओ। तो इसको लग रहा था ना कि मम्मी मेरी मजाक कर रही है, मतलब हमको प्रैंक कर रही है, जाएगी। तो बस नहीं जा पाई मैं, और क्या बताऊँ। और मेरे बाल इतने पतले हो गए हैं, मैं सरसों वाला तेल अब यूज कर रही हूँ, पता नहीं क्या होता है। और अचानक से फिर लाइट भी चली गई थी,
और मैं यहाँ पे यही सोच रही थी कि सारे लोग घूमते हैं, मेरे नसीब में ऐसा क्यों भगवान लिख दिए? क्या हमें दम यही टेंशन लेते लेते ही मृत्यु हो जाना है क्या? हमें भी तो खुशियाँ नसीब दे भगवान कुछ। और इसके बाद फिर मैं बाल बांध लेती हूँ और फिर ये सिंदूर लगाती हूँ। तो हम लोग मतलब मैं ना, मेरी मम्मी भी ऐसे ही लगाती थी सर पे पल्लू लेकर, तो मैं भी ऐसे ही लगाती हूँ। और बिंदिया बाद में साथ में, जो हम आप लोग को लोग ना दिखाई नहीं सुबह से देता। एक्साइटेड थे, घूमने जाएंगे, हमको बोले पुराना किला लाल किला घुमाएंगे, हमको कौन नहीं घुमा कौन नहीं घुमाए। नंदनी का क्रिसमस डे यही मन रहा है, ये देखिए देखिए कैसे चिपका रही है, सारा खुशियों पर पानी फिर गया, हमको दुखी कर दिए, दुखी बताइए कहते नहीं जिंदगी में खुशी साथ रहने से मिलता है, घूमना जरूरी नहीं है। देखिए हमको ना सर इतना दुख रहा है टेंशन से। हाँ क्या बताएं, समय जब आएगा ना तब बताएंगे का रीजन है ना, धीरे धीरे सब बताएंगे, अभी नहीं, बट बस आज सारी खुशियों पर पानी। देखिए अभी शाम के 5:30 बजे, पूरा का पूरा शाम हो गया। अभी इधर मैं आलू चढ़ रही हूँ, चटनी को मैं चना की चटनी बना रही हूँ। आइए कॉल कर दिए कि चिकन खाना है तो बस आलू वैसे ही बॉयल करके खा लेंगे, नमक के साथ। और फिर इसके बाद चिकन ले आई, तो मैं चिकन बनाने लगी तो सोची शायद मैं फर्स्ट बार अपनी यूट्यूब फैमिली से शेयर कर रही हूँ आप लोग के साथ ये चिकन। और जिसे पसंद हो देखिएगा, नहीं पसंद हो तो प्लीज़ मत देखिएगा, ज़बरदस्ती नहीं है, है ना? क्योंकि मैं क्या बताऊँ, नहीं बता सकती। ये टेंशन से चिकन, आधा केजी ही चिकन लेकर आए थे, और मैं पानी डालकर रख दी थी। और इसके बाद फिर थोड़ा देर में गाढ़ा ही हो जाती है तरी गाढ़ी। और मैं धीरे धीरे इसलिए बोल रही ना कि बगल में जो पड़ोसी हैं, मुझे डर लगता है कहीं वो मुझे पागल ना समझ इसीलिए। और फिर इसके बाद धनिया पत्ता भी मैं भूनते समय ही डाल दी थी। और उसके बाद और हो जाता हल्का गाढ़ी तो मैं उतार देती हूँ, जो आप लोग को उतारते टाइम नहीं दिखाई। दिन है सैटरडे और 25 दिसंबर, हैप्पी क्रिसमस डे। मैं तो आज का ब्लॉग में विश कर दी थी आप लोग को, तो मिलती हूँ अगले ब्लॉग में। खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा, और ठंडे में सालू बच के रहिए। भगवान ना करे मेरी फैमिली जैसे आप लोग का फैमिली कभी नहीं मिले। बाय कर दो।